हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया था लुधियाना अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। इन्होंने अभी जल्दी ही अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया है, तो मेरे पास बहुत से लोगों का सवाल और मैसेज आता है कि सर, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर है या क्या बेनिफिट होता है मेडिकल स्टोर खोलने के बाद और क्या लॉस होता है। तो ये सब बहुत से सवाल जवाब हैं, तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सपोज दैट कह सकते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या क्या लीगली प्रोसीजर होता है उसका। फिलहाल तो हर एरिया का अलग अलग होता है। सर जो बताएंगे पंजाब के लुधियाना वाले एरिया का बारे में बताएंगे, इन्होंने कैसे अपना DL पास करवाया है और क्या क्या इनको यहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे, तो मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप मौर्य है और मुझे 1.5 साल हो गया करीब इस मेडिकल का चलाते, और इत्तेफाक से हम लोग क्लासमेट रह चुके हैं रोहित जी और मैं। और सर ने जैसे पूछा कि इस मेडिकल स्टोर का मेरा सफ़र कैसा रहा है, तो वो मैं बताना चाहूँगा आपको। शुरुआत में जैसे आपने बताया प्रोसेस क्या है, प्रोसेस सब लोगों का सवाल जवाब आता है, हमें मेडिकल स्टोर खोलना है, इसके लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कहाँ मिले। तो मैंने सोचा इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। तो आपको क्या क्या स्टार्टिंग में क्या क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किया है यहाँ के लिए और कितना टाइम लगा, इसका टाइम पीरियड कितना है? स्टार्टिंग का प्रोसेस ये है कि जब हमारे पंजाब में पहले लाइसेंस बंद था, अभी अप्रैल 2021 में जाके ओपन हुआ है, जो सेक्रेटरीट ने नया नियम लागू किया जिसके अंडर ये था कि 100 मीटर के अंदर आपके कोई भी मेडिकल ना हो तो आप खोल सकते हो। उसकी शर्त यह है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पहली रिक्वायरमेंट ये है, जिसमें डी फार्मेसी वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, बी फार्मेसी वाले को 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है और एम फार्मेसी वाले को एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है। खाली अपना रजिस्टर में आप नाम लिखवाओ, स्टेट रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाओ और आप लाइसेंस ले लो। जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, या अपनी हो या किराए की, रेंट का भी चल जाएगा, रेंट डीड हो आप दिखाओ, उसको फाइल में लगा सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका एक्सपीरियंस लगेगा, और इसके अलावा आपका AC का बिल, फ्रिज का बिल लगेगा, ठीक है, जो आपने शॉप में लगा रखा है, मतलब कंपलसरी है सब चीज़ें। हाँ, मतलब इसके बिना आपका काम आगे बिना नहीं हो सकता है, मतलब ये कह लो आपका क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। हाँ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो जिसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा। जो आपकी शॉप है वो 150 स्क्वायर फीट कम से कम होनी चाहिए, छोटी शॉप भी नहीं आप ले सकते, मिनिमम इतना चाहिए, जगह भी आपको मिनिमम 150 स्क्वायर फीट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोसेस का टाइम था वो ये था कि मैंने अप्रैल में 2021 में फाइल लगाई थी, 2 जुलाई 2021 को मेरा लाइसेंस ग्रांट हो गया था। इन बिटवीन मेरे को कंफर्मेशन था ये कि मेरा लाइसेंस हो जाएगा ग्रांट, क्योंकि मुझे अपने को होता है भी एरिया मैंने 100 मीटर का कंप्लीट है, मिनिमम मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट हो रहा है पूरा। तो इन बिटवीन मैंने शॉप की तैयारी वगैरह करा ली थी। इसकी जैसे आपकी वेरिफिकेशन भी हुई होगी ना, जैसे चेकिंग करने के लिए आते हैं? हाँ, वो वेरिफिकेशन भी हुआ, इंस्पेक्टर आए थे यहाँ पे, उन्होंने वेरीफाई किया जो 100 मीटर का क्लॉज बताया मैंने, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर ने जाके चेक किया पर्सनली कि आपकी शॉप से वो 100 मीटर खुला है कि नहीं है। ऐसा नहीं है आपने डाल दिया जो भी रिपोर्ट दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आपके एरिया का इंस्पेक्टर आएगा, चेक करेगा ऑफिसर, उसके बाद जब उन्हें पूरा कंप्लीट लगेगा तभी वो आपका वेरीफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा देखा जाए आज की डेट में एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ। तो थोड़ा सा नॉलेज ये चीज़ जानना है कि मान लीजिए अभी आपका ये सेटअप है, देखने में बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी लग रहा है, काफ़ी लग रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बात किया जाए अगर कई लोगों का सवाल कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगा एक मेडिकल स्टोर खोलने में, मैक्सिमम की तो बात नहीं कर सकते, तो अपना जितना मर्जी हो, मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट लेके हम चलें तो मेडिकल हमारा खुल जाएगा अगर किसी को खोलना रहे तो? देखिए रोहित जी, ऐसा है कि जैसे आपने बताया मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बाकी गुड़ जितना डालेंगे उतना मिलता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जो मिनिमम मैं समझ पाया हूँ, मेरे पास उस वक्त लाइसेंस वगैरह लिया मैंने, तो उसके बाद मैंने करीब करीब टोटल, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो ये चीजें दिख रही है आपने कितना इसके बारे में? अभी का तो बहुत ज्यादा है, अभी का तो बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते, मैंने स्टार्ट 1 लाख के माल से किया था। चलो आपने अभी प्रेजेंट आपने टोटल कितना, अभी प्रेजेंट की बात करें कितने का इन्वेस्टमेंट आपका लगा है मेडिकल के अंदर? प्रेजेंट का अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 4 लाख से ऊपर लगा चुका है। डेट मीन्स कहने का मतलब ये है
शुरुआत छोटे से की थी, पर अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट इनको आज के में आप देख पा रहे हैं कि 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट इनका लग चुका है। और इसमें कुछ मेडिसिन भी होता होगा ना, कुछ हमें बहुत कम पैसे में ज्यादा दवाइयाँ आ जाती हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे एथिकल जेनरिक वाला। हाँ, वो जो सही बताया आपने, जो जेनरिक है वो हमें कम पैसे में ज्यादा मिल जाता है, वो जाहिर सी बात है। थोड़ा सा क्लियर करेंगे एथिकल जेनरिक क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कहते हैं MRP ज्यादा लिखा होता है, इतनी सस्ती क्यों है। और कई मेडिसिन ऐसी होती है, सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए यही है फिलहाल, तो इसका है, इसका हम कितना से कितने परसेंट तो डिस्काउंट दे सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है 50% डिस्काउंट पर मिल जाता है जी, तो ये क्या लॉजिक है? बिल्कुल सही बताया, किस मेडिसिन पर 50% मिल जाता है, किस पर नहीं मिलता है? जो एथिकल होते हैं, जो एथिकल मेडिसिन होती है, उस पर हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। अगर MRP उसकी 100 लिखी है तो हम उसे मैक्सिमम भी लेस करके देंगे तो हम उसको 85 रुपए में दे सकते हैं, इससे कम तो दे ही नहीं सकते। क्या 10-15% आप लेस दे सकते हैं? 10-15% मैक्सिमम एथिकल पे, एथिकल जो एथिकल है। और एथिकल हम जो प्रोसेस, दो चार कंपनियों का, दो चार कंपनियों का नाम बताएंगे जिससे किसी कंफ्यूजन हो रहा हो। अब बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में सिप्ला एथिकल भी बना रही है, जेनरिक भी बना रही है। आप कोई भी XYZ बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनी उठा लो, वो एथिकल भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जेनरिक भी। ये तो आपने बता दिया इसका एथिकल वाले डिस्काउंट का इतना आप लेस कर सकते हैं, जेनरिक वाला उसका, जेनरिक में हमें उसमें लेस हम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। 50% मान के चलते हम, 50% मान के चलते 50% दे सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, दे सकते हैं। और एक चीज वो है, जैसे मेडिकल स्टोर आपके पास कई कस्टमर कह लो या पेशेंट कह लो आते हैं, किस टाइप के आते हैं? वैसे कहने का मुद्दा ही है, इनको कौन सी दवा आप देते हैं और कौन सी दवा आप इनको मना कर देते हैं देने से? जैसे उसके पास आप डॉक्टर की स्लिप लेके आइए या और कोई चीजें भी हैं, बहुत से लोग आते हैं, कई ऐसी भी दवा लेने आती है जो नॉर्मली लोग नहीं यूज करते हैं। देखिए, ये फार्मासिस्ट को बेहतर पता होता है कि कौन सी मेडिसिन हमें एजुकेशन के वक्त, स्टडी के वक्त हम सबको पढ़ाया जाता है कि कौन सी मेडिसिन हमें प्रिस्क्रिप्शन पे देनी है। जाहिर सी बात है, जो शेड्यूल एक्स मेडिसिन होती है, हर मेडिसिन के ऊपर एक रेड कलर का बॉक्स आपको तो पता है, जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन होती है, शेड्यूल H1 होती है, ये स्पेशल प्रोविजन की मेडिसिन है जिनको आप बेचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए डॉक्टर, ठीक है। और जो OTC प्रोडक्ट्स है, OTC में जैसे ये फेस वॉश हो गया, इसमें हमें कोई OTC में ओवर द काउंटर कोई भी बता के ले जा सकता है, हम उसको दे देंगे। कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया आपका, बिल्कुल कॉस्मेटिक हो गया, आयुर्वेदिक में भी कुछ ऐसे, आयुर्वेदिक में मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट ऐसे OTC है, हमें आप नाम बताओ हम आपको उठा के दे देंगे, ठीक है। बाकी शेड्यूल एच हो गई, शेड्यूल H1 हो गई, वो उसके लिए ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, जस्ट नॉलेज देना है। इसमें कुछ रिस्क? सर रिस्क तो है, मान लो हमने पैसा लगा दिया, कोई इसी ने अपना मेडिकल खोला, तो उसका रिस्क का क्या चांस है, लॉस का क्या चांस हो सकता है, इसका कुछ अंदाजा है या कैसे क्या है? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मान लो इनको लॉस ना हो, क्या टिप्स हैं आपके? रिस्क में ऐसा है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, आप एरिया में पहले बैठिए, आप पहले थोड़ा ही सामान मंगाइए, अगर आप ड्रग स्टोर खोल रहे हैं तो थोड़ी दवा आप थोड़ा मंगाओ, एक एक स्ट्रिप, जैसे एथिकल का प्रोडक्ट है, आप एकदम से तो लाके नहीं रख लो, दिखाने में ना, आप जो से भी आप किसी और एरिया से देख के आ जाओ, ये वहां पे ये पड़ा हुआ था मैं रख लूं, ऐसा नहीं है। आप अपने एरिया में बैठो, एनालिसिस करो कि आपके एरिया में लग क्या रहा है, जो रिक्वायरमेंट है वो आप, कस्टमर आता रहेगा, आप साल 6 महीना 2 साल में आप उस चीज को पूरा कर लोगे। मेरे को 1.5 साल हो गया है इस मेडिकल को चलाते, और 1.5 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कस्टमर आते हैं, नई चीज आ गई, वो मैं मंगा लेता हूँ कि हाँ ये रेगुलर लग रही है, अब मेरे को रेगुलर रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तो इतनी वैरायटी है मेडिकल लाइन में, इतना ज्यादा एक ब्रांड, ये निम्सलाइट पैरास्टामोल है, जनरल सी बात कर रहा हूँ, ये कम से कम, थोड़ा सा बातें करते करते मेडिकल भी दिखाइए, कम से कम ये 1000 कंपनियों का होगा, ये 1000 के, अब मैं कम बता रहा हूँ, अब सारी कंपनियों को तो मैं नहीं रख सकता। डिस्प्ले देखा जाए तो डब्बे में कंपल्सरी होता है ना, डब्बे में रखना है ऐसे, डब्बे में इसलिए रखा था कि साफ सफाई आसानी से हो सके, पक्के की डैमेज ना हो, आपका जो स्ट्रिप है वो डैमेज हो जाता है, मैक्सिमम डैमेज से बचता है सफाई। इसमें पता कैसे लगता है, मतलब कौन सा मेडिसिन
जहाँ से आप लेके आ रहे हैं जो बिलिंग पे आया होगा सामान वो वापस हो जाता है, नियर एक्सपायरी होता है तो सब चीजें इतने आपका सिस्टमैटिक रखा हुआ है ना। तो ये आ गया कुछ इतना सारा महंगा सामान जो सिर्फ वाला कैटेगरी है अलग है, ये फीमेल सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपका ये गैस्ट्रो सेक्शन हो गया, ये आपका आई ड्रॉप सेक्शन हो गया, ये बच्चों के सिरप हो गए, ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा है जिसको जो सूटेबल लगे उसके हिसाब से। हर मेडिकल स्टोर अपना अपना रखता है सिस्टम। ये आपका डीएल है ना? ये डीएल है, हर मेडिकल स्टोर पे ये दिखाना मैंडेटरी होता है, ये इसको लगाना ही लगाना है, ऐसे फेक तो नहीं बैठा है। हाँ, ये आपको कोई भी ऑफिसर आएगा कोई भी वो पहले यही चेक करेगा आपकी स्पेस काफी ज्यादा है ना यहाँ पर, ये सब चेकिंग में वेरिफिकेशन में ये सब चीजें होती है ना, ये सब देखना पड़ता है। बाकी ये मैंने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा था, बाकी वही है गुड़ जितना डालेंगे मिठना उतना मीठा होता जाएगा, ये तो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना, उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे इस दुकान में आप 1 करोड़ भी लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब है कोई भी कमेंट है आप मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। सो सर से हम आगे और भी मिल लेंगे अगर आपका कमेंट होगा तो, जो भी नॉलेज लेनी रहेगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।